फ्लावर का पार्ट रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो गया। अच्छा अच्छा देखो इसमें बता रहा है ना स्टोमाटा क्या होता है पेड़ पौधा में, तो देखिए क्या बता रहा है इसमें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, मतलब इसके थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैस जो आता जाता है उसका टेक प्लेस होता है। जैसे ऑक्सीजन छोड़ता है, ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। इच एस्टोमा है जे पेयर ऑफ गॉड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा पोर। व्हेन वाटर इंटर द गॉड सेल इट स्वेल एंड पोर ओपन, एंड व्हेन द गॉड सेल लूज वाटर इट श्रिंक एंड पोर क्लोजेज। जैसे कि देखिए मुंह उसका खुल जाएगा कब, जब उसमें पानी भरेगा तब उसका मुंह खुल जाएगा, और जब उसका मुंह क्या होगा, पानी निकल जाएगा तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोग सांस कैसे हम लोग लेते हैं, उसी तरह से इसका भी प्रक्रिया चल रहा है पेड़ पौधा में। समझ गए ना, ये स्टोमेटा है, समझ लीजिए, समझ गया। तो ये क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इससे होता है। इसमें क्या होता है, दो को पेयर होता है स्टोमेटा का, है ना। फर्स्ट ये सेकेंड वाला तो लगता है कि करिश्मा बना रही थी ना। हाँ कैसे हम लोग भी मतलब खाना खाते हैं तो मुंह ऐसा फाड़ते हैं उसी तरह का इसमें कुछ है कि अगर पानी वाटर ले लिया तो मुंह फैला रहेगा और फिर सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा जब पानी इसका बाहर निकल जाएगा। तो पढ़ा रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये गॉड सेल, ये सब देखिए स्टोमा का दिया हुआ है चित्र। और इसमें क्या है, गॉड सेल किस कहाँ का नाम है, सरफेस व्यू क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन वाला का बोल रहा है, न्यूक्लियस इसके बीच वाला को बोल रहा है, स्टोमा सब दिया हुआ है। भाई बायोलॉजी में ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है। रोज अपना बना नहीं भाई, तो ये इसी माइक्रोस्कोप से देखने में पत्ता में इसे रहता है रोज को फ्लावर में इसमें सब। पत्ता में लगता है कि कीड़ा उड़ा आप फट देख रहा है, लगता है कि कीड़ा उड़ा आप फट देख देखो इसको आगे देखो क्या इसमें दिखाया, क्या हो रहा है, H2O यहाँ से इंटर कर रहा है, तो देखिए व्हाइट कलर का दिख रहा है और H2O बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का इसका मुंह बंद हो जा रहा है। तो ये सब चीज आपको दिखा रहा है इसमें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हम सोचे थे कि इसका 400 पेज होगा जबरदस्त, लेकिन स्किप करने वाला बहुत सारा चीज था इसमें, एक्टिविटी तो कुछ करना नहीं है। अब नहीं। एनिमल का न्यूट्रिशन, एनिमल का आँख है इंसान चलिए एनिमल के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के बारे में पहले देखिए। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है एनिमल, मतलब सबसे छोटा जंतु क्या है इस, ये अमीबा ही है धरती पे। इट टेक द फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेसुडोपोडिया, एंड फ्रॉम पेसुडोपोडिया के थ्रू ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर लेता है, एंड फॉर्म ए फूड वैकोल इनसाइड द फूड वैकोल, द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। तो ये एक्चुअल में आपको बता रहा है अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो दो दो गो दो तीन गो मतलब इंपॉर्टेंट इसमें टर्मिनोलॉजी है, पेसुडोपोडिया, ये पेसुडोपोडिया देखिए, ये फैला थोड़ा सा तो यहाँ से थ्रू अंदर ले रहा है फूड, है ना, अंदर यहाँ से जा रहा है, ये पूरा प्रक्रिया आपको दिखा रहा है। तो दिखाया भी नहीं कुछ फिगर तो ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिगर तुम लोग एस चांद से ही बनवाओ, और हमसे बायोलॉजी पढ़ोगे तो इसी तरह का बायोलॉजी रहेगा, क्योंकि फूड रूल हम भी तो बायोलॉजी मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं। ये न्यूक्लिय, अमीबा का फोटो है, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है। फूड जैसी हुआ तो देखिए यहाँ पे कुछ क्या हुआ, मुंह फाड़ला टाइप से किया,
है ना, वो काला चीज को अंदर ले लिया, ये ले लिया ना अंदर, और फिर क्या करेगा ये खा के, और फिर जो बचेगा उसको बाहर भी यहां से फेंक दिया अदर मुंह से। तो ये एक प्रक्रिया आपको दिखा रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये अमीबा है आपका, यहाँ से काला चीज मुंह फाड़ के अंदर ले रहा है, अंदर ले लिया सब, इससे एनर्जी वनर्जी इसका अब्जॉर्ब करके और यहाँ से इसको बाहर ढकेल दिया। से बाहर है ना, दिया एक छोटा सा बच्चा ही। अब इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है ह्यूमन में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बिगिंग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कहाँ से शुरू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड्स एंड विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, माउथ के थ्रू एंट्री मारा, फिर क्या है ये, क्या है भाई एस्टो, मैं तो समझ में आ गया, स्मॉल इन इंटेस्टाइन तो समझ में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन एनस, ये सब तो समझ में आ गया, यहाँ पे आपका दिया हुआ होगा अनस दिया हुआ है, फिर सब चीज दिया हुआ है, लीवर एस्टो मैं किसको बोलते हैं, ये सब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा आपका पार्ट दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई एक फिगर मतलब आपको बनाना पड़ेगा भाई, समझ गया ना, ह्यूमन में इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन हमको सा है, सलेवरी बनाना पड़ेगा। ग्लैंड्स, टंग, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सब पार्ट है, समझ लीजिए, समझ गया ना, यहाँ के थ्रू हम लोग का बाहर निकल जाएगा, जो भी खाएंगे उसको एनर्जी यूज करके यहाँ के थ्रू बाहर, ये लीवर ईवर सब है इसमें, पैनक्रियाज है, कोलन है, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, डिटेल में तो तुम लोग पढ़वे करोगे आगे चल के, हो सकता है कि यहाँ नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे कि लीवर का क्या फंक्शन है, ये इसका क्या है, 11th 12th में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन मेन ये हम भी ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका ही पूरा फिगरे बनाना पड़ता है दोनों में से कोई एगो, बनाए थे फिगर समझ गया ना। ये वाला, दोनों हमने को बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं वो कहाँ जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड विच प्रोड्यूस एंजाइम, एंजाइम बना रहा है, एंजाइम बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है एंजाइम, ये हम लोग जो खाते हैं ना वो जो निकलते रहता है मुंह से लार, वही एंजाइम है समझो, वो क्या करता है, और अंदर भी जाके यहाँ पे भी बनता होगा एंजाइम, जहाँ पे फूड क्या होता है स्टोरेज होता है, बढ़िया से दे नहीं रहा है जी, समझ भोजन नली में ही एंजाइम बन गया, उसको पार्टिकल को तोड़ना शुरू कर देता है, एक्चुअल में एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में, एसिड वेसिड भी तो बनता ही है ना भाई, स्टोमक के अंदर में HCL वगैरह सब पचाने में मदद करता है, मेरे को यहाँ देखते पे देखो घंटा और लगा। बढ़िया फिगर दिख रहा है, अब सब कुछ का हमको स्पेलिंग दिख रहा है ना, अच्छा सब दिख रहा है ना सब कुछ। चलिए यहाँ पे अब दे रहा है कि चलिए हमारा भोजन का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले कहाँ गया, माउथ में गया, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल बाय द टीथ, दांत से हम लोग चबा चबा के उसको क्या कर दिए, छोटा कर दिए और सलाइवा के साथ मिक्स कर दिए लार्ज, फ्रॉम द सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा कंटेन द एंजाइम्स सेलिवरी, देखिए जो हम लोग के सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट ए स्टॉर्च इनटू शुगर, एक्चुअल में क्या बना देता है, स्टॉर्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, देन द फूड पासेस थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टोमेक, ओसोफेगस के थ्रू स्टोमेक में हमारा फूड जा रहा है, उसके बाद मतलब सारा प्रक्रिया दांते और सलाइवा के द्वारा हो गया, उसके बाद वो शुगर में कन्वर्टे होके हमारे पेट में जा रहा है, अब पेट में देखिए क्या होगा, इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस विच कॉन्टेन द एंजाइम पेप्सिन, अब पेट में क्या है, पेप्सिन नाम का एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और
म्यूकस है। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प इन एक्शन ऑफ पेप्सिन। मतलब मेन पेप्सिने का काम है, पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको मदद कौन कर रहा है ब्रेक डाउन करवाने में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टोमेक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। और म्यूकस क्या कर रहा है कि एसिड से हमारा मतलब क्षति नहीं हो जाता, उससे एक्शन से वो हमारा बचा रहा है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट के बाद हमारा कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, छोटी आंत में जा रहा है। इन द अपर पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन को। द फूड इज मिक्स्ड विथ बाइल फ्रॉम द लीवर। अब यहाँ पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, लीवर और पैनक्रियाटिक जूस मिल गया हमको लीवर से। बाइल फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, दो चीज होता है ना, देखोगे उसका फिगर हम दिखाते हैं, लीवर और पैनक्रियाज होता है, एक से पैनक्रियाटिक जूस और दूसरा से बाइल, लीवर से जो जूस मिलता है। बाइल ब्रेक डाउन द फैट्स इंटू ए स्मॉलर, मतलब क्या किया बाइल, लीवर का काम क्या है कि वो फैट को क्या किया ग्लोबल्स में बता दिया। पैनक्रियाटिक जूस कॉन्टेन द एंजाइम टाइप ट्राइप्सिन एंड लिप्सिन। ट्राइप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिप्सिन ब्रेक डाउन द फैट। मतलब पैनक्रियाज का भी, पाचन तंत्र का भी वही काम है कि उसमें ट्राइप्सिन और लिपेज, लिपेज नाम का दो गो एंजाइम है, ये भी क्या कर रहा है, एगो ट्राइप्सिन क्या कर रहा है प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, और लिपेज क्या कर रहा है फैट का ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये अपर पार्ट का बात हुआ। द ग्लैंड्स द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस द इंटेस्टाइनियल जूस। द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनियल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट दिखाया ना यहाँ पे, इसमें मैंने लीवर और पैनक्रियाज का क्या काम है वो बताया। लीवर में बाइल मिलता है और पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस मिलता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन में मदद करता है, और लिपेज क्या करता है फैट को ब्रेक डाउन में, तो वो अलग था। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला यहाँ बता रहा है, इसमें इंटेस्टाइनियल जूस है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनियल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरील एंड प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड। देखिए अब इंटेस्टाइनियल जूस क्या कर रहा है, उसका एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल रहा है, फैट को फैटी एसिड में, और ग्लिसरील और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली हैविंग द ब्लड वसल्स। द वॉल्स ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली हैविंग द ब्लड वसल्स। इट हेल्प टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाई द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल इन द बॉडी। देन द अनडाइजेस्टेड फूड फेज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब देखिए अब यहाँ से सारा प्रक्रिया आपका, जितना भी चीज बना था, कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, फैट बदल गया फैटी एसिड में, ग्लिसरील और प्रोटीन बदल गया एमिनो एसिड में। उसके बाद क्या किया कि जो खाना बच गया वो अब चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर इज एब्जॉर्ब एंड वास्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि पानी को सोख के और जो खाना बच जा रहा है उसको बाहर फेंक दीजिए लैट्रिन के थ्रू। समझ में आ गया ना, समझ में है कि नहीं भाई? खाना मुंह से प्रवेश किया, मुंह से प्रवेश किया, पेट में गया, फिर लीवर इवर का और पैनक्रियाज का बताया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल गया जो बच गया मटेरियल। तो हाँ ये आपको जरूरी है, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम लोग को?
देखिए, तो इसको ऐसे देख के इसका मेन मेन चीज याद होना जरूरी है, जैसे कि ये सब तो एकदम इम्पोर्टेंट है ना भाई। बाइल कहाँ से बनता है? लीवर में बनता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में बनता है। बाइल क्या करता है? ब्रेक डाउन फैट इनटू ग्लोबुलस में करता है। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? सब बहुत क्वेश्चन आ सकता है। इसका तो एक एक वर्ड में हमको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है ना। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेट में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? बहुत सारा क्वेश्चन है, एक पेज में ही पूरा मतलब समझिए कि कहानी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके या अपने मन से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से भी लिख सकते हो। ह्यूमन बॉडी में अब रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी से एटीपी बन रहा है। एडीपी मतलब क्या है? डाइफॉस्फेट। और टीपी मतलब क्या है? ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन बन रहा है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। When the cell need energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released. मतलब हमारे शरीर में जाके एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एटीपी के फॉर्म में। और जैसे हम लोग कुछ काम उम करते हैं, एनर्जी का जरूरत होता है, तो फिर से एडीपी में कन्वर्ट होकर हमको ताकत देता है। एटीपी में और वाटर के थ्रू ताकत और एनर्जी देगा जीव जंतु को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतने पढ़ते हैं, कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले इसका पहला लाइन पढ़िए। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी। फूड कहाँ पे? जहां पे फूड फूड जो खाते हैं वो क्या होता है? डिवाइड होता है। एक्चुअल में कहने का मतलब है डिकम्पोज होता है, बर्न होता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के हेल्प से। इट टेक प्लेस इन द माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, एनर्जी बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको एटीपी बोलते हैं। तो ये वाला इक्वेशन लिखना है, एक एनर्जी स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में। ये वाला टर्म है पढ़ना, हम देखते हैं इस चांद का बुक, एटीपी एडीपी। इसका तो फुल फॉर्म में याद रखो पहले तो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रखा हुआ है। इसका रेस्पिरेशन के बारे में होमवर्क अपने से बुक पढ़ के लेके आना है। इसका मत लिखो, ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो। रेस्पिरेशन के बारे में सब एडीपी एटीपी सब लिख के ले आना है।
बाप रे, अभी तो एकदम खतरनाक खतरनाक एकदम आ रहा है। क्या एकदम गर्दा एकदम पीपीटी है। अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ना तो दिमाग से उतर जाएगा जो पढ़े हो। दू गो होमवर्क में लिख लीजिए, मतलब जितना पढ़े हो उसके बारे में अब लिख के ला सकते हो ना भाई, कुछ ना कुछ हम सब टॉपिक ला सकते हो ना। कैसे न्यूट्रिशन पेड़ पौधा को प्लांट में हुआ और कैसे न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी में हुआ, ये तो इतना तो बता ही सकते हो। चलो तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाला बुक मतलब ये पीपीटी है एकदम, मतलब काम भर है इसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसी मजाक है, इसमें तो है बहुत डिटेल में दिया हुआ है। चलो ठीक है।